कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे रेंडरिंग सर्विसेज और डूइंग स्टैट्यूटरी फंक्शंस, इसमें क्या अंतर है। बहुत सारे श्रोताओं ने हमारे पिछले एपिसोड को देखने के बाद, जिसमें हमने सर्विसेज के बारे में डिटेल में बात की थी और सर्विसेज के स्कोप के बारे में चर्चा की थी, तो उनका ये कहना है कि जब हम कंज्यूमर कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पर ऑपोजिट पार्टी इस आर्गुमेंट्स के सामने आती है, वी आर नॉट रेंडरिंग सर्विसेज, वी आर एक्चुअली डूइंग आर स्टैट्यूटरी जॉब, सो वी डू नॉट कम अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। फाइन फ्रेंड्स, हमने इस पर बहुत डिटेल में देखा है और बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को भी रेफर किया है, और ऑर्गेनाइजेशन स्टैट्यूटरी फंक्शंस करती हैं, इसमें कोई दोराय नहीं है, बट देर इज अ डिमार्केशन लाइन जब वो स्टैट्यूटरी फंक्शन कर रही होती हैं और जब एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे दे आर रेंडरिंग सर्विसेज, द सेम ऑर्गेनाइजेशन द सेम एस्टैब्लिशमेंट डज टू टाइप ऑफ जॉब्स। So now we'll go back to one case which was decided by Supreme Court in 1999, Regional Provident Fund Commission versus Shiv Kumar. इस केस में बहुत सारी बातों पर डिटेल में चर्चा की गई थी। हम पहले देखेंगे प्रोविडेंट फंड के काम क्या हैं और क्या उनके स्टैट्यूटरी फंक्शंस हैं। प्रोविडेंट फंड इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिशमेंट्स एक स्कीम के अंडर काम करते हैं। एस्टैब्लिशमेंट्स या इंडस्ट्रीज अपने एम्प्लॉयज को प्रोविडेंट फंड कमीशन का मेंबर बनाते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है कि इंडस्ट्री या एस्टैब्लिशमेंट अपना कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन दोनों ही उस स्कीम के अंडर प्रोविडेंट फंड कमीशन में जमा कराते हैं और बाद में अपने एम्प्लॉयज की सैलरी से उनका कंट्रीब्यूशन काट लेते हैं। इस प्रोसेस में, इस स्कीम के साथ जुड़ने में, एम्प्लॉयर, इंडस्ट्री, एस्टैब्लिशमेंट साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस भी देती है प्रोविडेंट फंड को इस पूरी स्कीम को हैंडल करने के लिए। जब कभी केसेस प्रोविडेंट फंड कमीशन के अगेंस्ट कंज्यूमर कोर्ट में आए तो कंज्यूमर कोर्ट के सामने प्रोविडेंट फंड कमीशन का जो पहला आर्गुमेंट था, वी आर नॉट रेंडरिंग सर्विसेज, वी आर जस्ट हैंडलिंग अ स्कीम, एक स्कीम के तहत हम इंडस्ट्रीज के साथ काम कर रहे हैं, एंड वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग फ्रॉम द मेंबर्स जो उन्होंने बनाए हैं, हम उनके लिए काम अवश्य कर रहे हैं, बट वी आर डूइंग विद द एस्टैब्लिशमेंट ओनली। नाउ कम्स द क्वेश्चन, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस किसने दिए हैं? एम्प्लॉयर ने दिए हैं या एम्प्लॉय से लिए हैं? डायरेक्टली एम्प्लॉयज के साथ प्रोविडेंट फंड कमीशन का ये दावा है कि उनका उनके साथ कोई संबंध नहीं है, किंतु एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस पे किए गए हैं, ये एक एक्सेप्टेड फैक्ट है। अब किसने पे किए हैं? बट प्रोविडेंट फंड कमीशन ने लिए हैं। एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉयज से लिए हैं या नहीं, दैट इज अनदर मैटर, बट एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस वर पेड टू द कमीशन। सो अप टू द स्कीम को फॉर्मुलेट करने में और उसको इम्प्लीमेंट करने में जो काम है वो तो स्टैट्यूटरी काम है, पर जब एम्प्लॉयज इस बीच में आ जाते, जब एम्प्लॉयज बीच में आ जाते हैं और वो उनके मेंबर बन जाते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस चार्ज कर लिए जाते हैं, देन प्रोविडेंट फंड कमीशन इज रेंडरिंग सर्विसेज। कंज्यूमर कोर्ट में किस तरह के केसेस आते हैं कि कोई व्यक्ति रिटायर हो गया है पर उसको प्रोविडेंट फंड नहीं मिला है, कारण क्या पता चलता है? जब उपभोक्ता अदालत में केसेस आते हैं तो ये पाया जाता है कि इंडस्ट्री ने अपना पार्ट तो दे दिया था किंतु एम्प्लॉय का पार्ट जमा ही नहीं कराया था और एम्प्लॉय से उसका पार्ट उसकी सैलरी से काट भी लिया था। तो ऐसे में क्या होता है, उपभोक्ता अदालतें एम्प्लॉयर को डायरेक्शन देते हैं कि आप अपने पार्ट जो दिया है और जो एम्प्लॉय का पार्ट आपने एम्प्लॉय की सैलरी से काट लिया है वो जमा कराएं, और प्रोविडेंट फंड कमीशन को ये डायरेक्शन होती है कि आप पूरी कैलकुलेशन करें और नाउ विद इंटरेस्ट एम्प्लॉयर हैज टू पे द पार्ट टू बी पेड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय और वो उसको इंटरेस्ट समेत उसको पैसा मिले। तो ये पूरी एक स्कीम है, इसमें प्रोविडेंट फंड कमीशन यहाँ पर आकर रेंडरिंग सर्विस हो जाता है। इसी सिलसिले में
इसी बात को लेते हुए हम आएंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी वी शांता वर्सेस इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का केस, जिसमें डिटेल में ये बात हुई थी कि अगर हॉस्पिटल को कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज के बिहाफ पर कोई स्कीम में एंटर करता है और उस स्कीम के तहत वो अपने एम्प्लॉयज को मेडिकल फैसिलिटी देने के लिए हॉस्पिटल को कहता है, इन दैट केस ऑल्सो एम्प्लॉयर पे कर रहा है बट समथिंग हैज बीन पेड टू द हॉस्पिटल, इन सच सर्कमस्टांसेस हॉस्पिटल बार नहीं होता, हॉस्पिटल भी रेंडरिंग सर्विसेज हो जाता है क्योंकि वो एम्प्लॉयर से चार्ज करता है और उसके एम्प्लॉयर के बिहाफ पर ही एम्प्लॉयज को वो मेडिकल फैसिलिटीज देता है। सो इन दैट केस इट इज़ नॉट फ्री सर्विसेज। यहाँ हम आपको बताएंगे टेंडरिंग सर्विसेज कहाँ होती हैं और स्टैट्यूटरी फंक्शंस कहाँ होते हैं। नाउ लेट्स कम टू वन वेरी बिग डिसाइडेड केस बाय सुप्रीम कोर्ट इन 2009 में, वो था एग्जामिनेशन बोर्ड का केस, बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड। इसमें इस चीज़ पर बहुत अच्छे से खुलासा हुआ था, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आर रेंडरिंग सर्विसेज व्हेन दे आर चार्जिंग फी एक्सेट्रा एंड गिविंग सर्विसेज, बट एग्जामिनेशन बोर्ड सर्विसेज रेंडर नहीं करता। कब, किन स्थितियों में, जब वो एग्जाम्स करवाता है, सेंटर चेक तय करता है, शेड्यूलिंग करता है, एग्जाम्स के लिए पेपर बनवाता है, पेपर चेक करवाता है, ये सारे जितने काम हैं ये सारे स्टैट्यूटरी फंक्शंस हैं, इसमें इट इज़ नॉट रेंडरिंग सर्विसेज। बट व्हेन इट कम्स टू एडमिनिस्ट्रेटिव, रोल नंबर क्या देना है, ये यूनिवर्सिटी की या एग्जामिनेशन बोर्ड की अपनी स्टैट्यूटरी फंक्शन है। किंतु रोल नंबर जब अलॉट कर दिया गया और वो रोल नंबर अगर स्टूडेंट के पास नहीं पहुंचा है, देन इट इज डेफिशिएंसी इन सर्विसेज। एग्जामिनेशन बोर्ड ने एग्जाम्स के लिए सेंटर तय कर दिए, रोल नंबर दे दिया, किंतु सेंटर की सूचना अगर कंज्यूमर को या स्टूडेंट्स को नहीं पहुंची है, देन यू आर डेफिशिएंट इन सर्विसेज। आप पेपर किससे चेक करवाएं, कितने मार्क्स दें, ये आपका स्टैट्यूटरी फंक्शन है। किंतु मार्क्स देने के बाद यदि किसी को संदेह होता है कि हमको रीकैलकुलेशन करती है, मैं स्पष्ट कर रही हूँ, रीचेकिंग नहीं, पेपर की रीचेकिंग नहीं होगी, किंतु रीकैलकुलेशन हो सकती है कि कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ तो नहीं हुई है, ये गलती नहीं हुई है, उसके लिए बाकायदा फीस ली जाती है और देन यू आर रेंडरिंग सर्विसेज। तो इस मामले में बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट की गई थी कि कहाँ पर यूनिवर्सिटी रेंडरिंग सर्विसेज होती है और कहाँ पर स्टैट्यूटरी फंक्शंस करती है। इसी तरह से बहुत सारे ऑटोनॉमस बॉडी हैं, आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी है, टिकट खरीदी है, टिकट देकर जैसे ही एयरपोर्ट के अंदर प्रेमिसेस में जाते हैं, सारी सर्विसेज आप लेते हैं, यू आर रेंडरिंग सर्विसेज। वी आर नॉट आस्किंग कि आप कितनी फ्लाइट्स दिन में चलाते हो, कितनी फ्लाइट्स डिले होती हैं, किसको आप कैंसिल करते हो, ये सारा आपका स्टैट्यूटरी काम है। किंतु यदि आप एक बार टिकट लेकर प्रेमिसेस के अंदर एंटर किए हो तो सारी सुविधाओं के हकदार बन जाते हो, और अगर एलिवेटर खराब हो जाता है और किसी को नुकसान होता है तो उसके लिए भी यू आर डेफिशिएंट इन सर्विसेज। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक इस तरह का केस हुआ था, एक बच्चा एलिवेटर में फंस गया था वो सडनली रुक जाने से, तो दिस मेंटेनेंस जॉब यू हैव टू डू, इट इज़ योर एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट। सिमिलरली रेलवेज में भी, आप रेलवे स्टेशन के अंदर घुसते ही सारी सर्विसेज के हकदार हो जाते हो, वो तो आपकी रेंडरिंग सर्विसेज है। किंतु यदि कोई व्यक्ति गाड़ी के आगे आकर कट जाता है, सुसाइड कर लेता है या चलती गाड़ी से गिर जाता है, वो सर्विसेज नहीं है क्योंकि उसमें रेलवे की कोई गलती नहीं है, उसकी कोई डेफिशिएंसी नहीं है, दैट कम्स अंडर अनटॉवर्ड्स इंसिडेंट। और सरकार की तरफ से अनटॉवर्ड्स इंसिडेंट्स के लिए कंपनसेशन का प्रोविजन है, किंतु इट्स नॉट रेंडरिंग सर्विसेज। तो फ्रेंड्स, आज हमने स्टैट्यूटरी फंक्शंस और रेंडरिंग सर्विसेज के बीच की हल्की सी जो डिमार्केशन लाइन है उसके बारे में चर्चा की है। होप यू अंडरस्टैंड इट। अब जब भी कभी आप कंज्यूमर कोर्ट में जाते हैं और अगर ये आर्गुमेंट लिया जाता है, तो यू हैव टू सी द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज व्हेन यू हैव पेड मनी, यू हैव पेड चार्जेस, उस पर आप ध्यान दीजिए। जहाँ कहीं भी आपने चार्जेस पे किए हैं, आपने पे किए हैं
या इंश्योरेंस ने आपके बिहाफ पे किए हैं, आपके एम्प्लॉय ने आपके बिहाफ पे किए हैं, किसी ने भी किए हैं, चार्जेस अगर उनको मिले हैं देन दे आर रेंडरिंग सर्विसेज। तो फ्रेंड्स, अगर हमारी चर्चा आपको लाभकारी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक हमारे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। वी विल कम बैक टू यू अगेन विद अ न्यू सब्जेक्ट। थैंक यू वेरी मच।